ये पूरे एलियनेशन का एक इतिहास है, वो नीतियां हैं जो वहां पर बनाई। और आज देश, चाहे आपकी सरकार थी हमारी थी, हम जूझते थे उससे मुकाबला करने के लिए। आपने जिसको गोल्डन पीरियड कह दिया, उस गोल्डन पीरियड में तो स्टोन थ्रोइंग शुरू हुई थी जब 2008 में, और स्टोन थ्रोइंग शुरू होने के पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था। कारण यह था स्टोन थ्रोइंग मूवमेंट के पीछे कि इस देश की भी आतंक और आतंकवादियों से लड़ने की क्षमता सुधर रही थी, चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो। और पूरा विश्व कभी भी इस मूड में नहीं था कि हम स्वीकार करें कि कोई आतंकवाद के आधार पर कहीं विजय प्राप्त कर ले। Nobody can be allowed to enjoy the fruits of terrorism. That's the global mood today. तो आतंकवादियों में भी, हुर्रियत में भी ये सोच बदली, और वो सोच ये बदली कि किसी प्रकार से हम लोग इसको सिविल डिसोबीडियंस का रूप लें। और इसलिए 2008 में उन्होंने अपनी रणनीति बदली, और उस बदली हुई रणनीति के तहत उन्होंने मास अपसर्ज, 2010 में अमरनाथ था, आठ अमरनाथ यात्रा थी, आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त। तो 2010 में जब वो शुरू हुई तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मास डिसोबीडियंस करिए, हर व्यक्ति स्कूल के बच्चे से लेकर कॉलेज का विद्यार्थी या कोई आम आदमी बस्ते के अंदर पत्थर लेकर जाए, कोई 5 आदमी 7 आदमी की पुलिस या सीआरपीएफ बीएसएफ की चौकी देखे तो 10,000 पत्थर उसके ऊपर बरसा दो, वो तो वेपन का काम करते हैं। और ये तब से एक नमूना इसका पैदा शुरू हो गया। 2008 का आजाद साहब ने जिक्र किया, जब अमरनाथ का मूवमेंट हुआ कि इतना बड़ा तीर्थ स्थान, और विरोध यह था कि वहां पर जो यात्री जाते हैं उसकी सुविधा के लिए जमीन नहीं दी जाएगी, केवल टेम्पररी यूज के लिए, क्योंकि वो तो केवल कुछ सप्ताह के लिए होती है यात्रा। सोच में बदलाव यहां तक था। और इससे बेहतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आजाद साहब, और अगर ब्लेम गेम में जाना है, तो मैं केवल आपको इतना कह दूं कि जब इतिहास फैसला करेगा कि कश्मीर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था या पंडित जवाहरलाल नेहरू का सही था, तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी। लेकिन अगर आपको स्टेट्समैन बनना है और आपकी पार्टी को बनना है, तो कम से कम भविष्य की हम लोग सोचें, और उस भविष्य की सोच में कश्मीर में जो गलतियां हुई उनसे बाहर निकलकर, उस ब्लेम गेम से बाहर निकलकर वहां अमन चैन विकास डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, इसकी बात हम लोग सोचें तो शायद बेटर होगा। और केवल अगर आपका प्रयास रहेगा कि कोई ना कोई हमारी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को व्हाइट वॉश कर दे, तो वो तो इतिहास का एक अंग बन चुकी है, इस देश का हर नागरिक जानता है, उससे मुक्ति कभी आपको मिल नहीं पाएगी।